अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी फ़ाइज़ा। वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा नसीम ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं? होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा हेयर मास्क लेके आई हूँ, जो कि आपकी हेयर रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और साथ साथ अगर आपको बैल स्कल्प का प्रॉब्लम है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है अनियन। अनियन जादू का काम करता है हेयर्स को ग्रो करने में। अनियन के अंदर पाया जाता है सल्फर, जो कि हेल्प करता है हेयर्स को रीग्रो करने में, और साथ साथ हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने में सल्फर जो है वो सपोर्ट करता है। अनियन जूस का जब हम स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो उससे हमारे हेयर फॉलिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारी हेयर्स को ग्रो करने में। तो सेकेंड जो चीज़ हमारी यूज़ होगी इस मास्क के अंदर वो है जिंजर। जिंजर जो है वो हेयर लॉस को कम करता है, जो कि डार्क पैचेस हो जाते हैं हेयर्स के ऊपर, जगह जगह से हेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। उन पैचेस के ऊपर अगर आप अन्य जिंजर का जूस यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके हेयर जो हैं दोबारा रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिंजर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे हेयर्स को रीग्रो करने में और हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने में, और साथ साथ हेयर लॉस को ये कम करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इस मास्क के अंदर यूज़ करनी है। जब इनको हम इस मास्क के अंदर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मिरेकल सा जो है हमारा मास्क वो बनेगा। तो मास्क बनाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहे। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हेयर मास्क बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने अनियन का जूस भी निकाल लिया है और जिंजर का जूस भी निकाल लिया है। अनियन का जूस मैंने, उस अनियन से सिर्फ एक स्पून जूस निकला है, और जिंजर का भी हमें एक ही स्पून चाहिए। और तीसरी चीज़ जो इस हेयर मास्क के अंदर यूज़ होगी वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हेयर्स को रीग्रो करने में, हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने में, हेयर को की ग्रोथ को इन्हेंस करने में कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करके हेयर मास्क बनाएंगे। तो हेयर मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चम्मच जो है इसमें ले लेंगे बाउल में अनियन जूस का, और इसमें ऐड कर देंगे अनियन जूस, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। और फिर हम इसमें डालेंगे एक ही स्पून जिंजर जूस का। तीनों चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो सेम ही रखेंगे। एक स्पून यहाँ पे मैंने जिंजर का जो जूस है वो भी ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये यकजा हो जाएं। और फिर हम तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का भी एक चम्मच हमने भर के इसमें ऐड करना है। कैस्टर ऑयल भी एक चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कैस्टर ऑयल क्योंकि थिक होता है कंसिस्टेंसी में, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा मिक्स होने में। हमने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और एक मिक्सचर बना लेना है जो कि अच्छे से हमारे हेयर्स के ऊपर अप्लाई हो सके। तो 1 से 2 मिनट लेगा ये अच्छे से मिक्स होने में। यहाँ पे हमारा हेयर मास्क तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रनी होगी, लेकिन आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है अपने स्कैल्प के ऊपर और मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। अगर आपको डार्क पैचेस हैं जहाँ पे हेयर्स नहीं हैं, वहाँ पे आप इसको अच्छे से अप्लाई करें, मसाज करें 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये आपकी वहाँ से हेयर्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प करे। तो अच्छे से इसको अप्लाई करना है और फिर 30 से 45 मिनट तक इसको हेयर्स पे रहने देना है। और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से आप, या रेगुलर शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं उससे वॉश कर लें। हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है वो तो आपको वन वॉश में ही नज़र आ जाएगा कि हेयर लॉस आपको काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और साथ साथ हेयर को रीग्रो करने में और हेयर्स को ग्रो करने में ये मास्क बहुत ही बेस्ट है। आपको इसको यूज़ करने में गारंटी देती हूँ कि आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कमेंट में कि आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले हैं, कैसा आपको इस हेयर मास्क ने वर्क किया है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये वर्क करेगा। तो आपने इस हेयर मास्क को यूज़ करना है वीक में 2 टाइम, और 1 मंथ तक पहले यूज़ करके देखें। आपको बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा और आप ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी भी हेल्प होती रहे और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।